मंत्री जी के सामने पहली बार ये बताया कि हेलमेट किस तरीके के बन रहे हैं और किस तरीके के हेलमेट पहनकर लोग शहर में दिल्ली शहर में घूम रहे हैं। नहीं तोड़िएगा मत, नहीं तो फिर कर रहा है। मैं तो एनडीटीवी से हूँ, हम लोगों ने कैंपेन चलाया। नहीं नहीं ठीक है। और इसको हाथ से भी दबाएंगे सर, तो ये बिल्कुल बट टूट गया ना, कहे ना हमने। हाँ मंत्री जी को भी पता था कि जरा सा जोर लगते ही ये नकली खोपड़ी खुल जाएगी। जान की बजाय सिर्फ चालान से बचाने वाले ऐसे चालू हेलमेट के खिलाफ एनडीटीवी पहले भी आवाज उठाता रहा है, लेकिन ये पहला मौका था जब खुद उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान के सामने आईएसआई मार्क वाले हेलमेट की जरूरत का मुद्दा उठाया गया। जीवन के रक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको मैंडेटरी लिस्ट में लाया जाए। और मैं समझता हूं कि ये जीवन रक्षक के लिए सबसे पहला जो है हेलमेट, क्या कहते हैं कि उपयोगी यंत्र है, और इसको उसमें लाया जाएगा। मैं तो इसी पार्लियामेंट के, मैंने कह दिया है आपको, इसी पार्लियामेंट के सेशन में मैं ला रहा हूं, और मेरी तो कोशिश होगी कि इसको जल्द से जल्द, क्या कहते हैं, किसी पार्लियामेंट के सेशन में पास करा लें। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक सिर्फ आईएसआई मार्क हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाने या बैठने की इजाजत है, लेकिन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की मैंडेटरी लिस्ट में नहीं होने की वजह से बिना आईएसआई मार्क के हेलमेट के उत्पादन पर कोई रोक नहीं। लिहाजा जानलेवा होने के बावजूद, सस्ता होने के नाते इनका धड़ल्ले से उत्पादन होता है और ये डिमांड में भी रहते हैं। मेरे सर पर हेलमेट है और मैं कानूनी तौर पर सुरक्षित हूँ, लेकिन क्या वाकई मेरा सर सुरक्षित है? अब मंत्री जी के भरोसे के बाद अगर नया कानून लागू होता है तो जाहिर है रोड सुरक्षा की दिशा में ये बदलाव एक मील का पत्थर साबित होगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन जगदीश प्रकाश के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।